ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पौड़ी के कठुड़ गांव का है, जहां देर शाम एक गुलदार खंडहर घर के अंदर घुस गया, जिसे देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीण आलोक चारू ने बताया कि इन दिनों उसके गांव के आसपास लगातार गुलदार दिखाई दे रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को देर रात पिंजरे में कैद कर लिया। फिलहाल गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल प्रशिक्षण किया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। कल दिनांक 9 सितंबर को हमें कोट ब्लॉक के कठुड़ गांव से देर शाम में एक सूचना मिली थी 7 बजे के आसपास कि एक गौशाला में, खंडर गौशाला में लेपर्ड दिखा है। जैसे ही घटना की सूचना हमें मिली, तुरंत जो है हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसको हम लोगों ने जो है मौके पर भेजा, और कल शाम को 7 बजे से लेकर रात को दोपहर 2 बजे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें एंड में जो है लेपर्ड को सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर उसको रेस्क्यू किया गया। मौके पर हमारी पूरी RRT की टीम, वन क्षेत्र अधिकारी और मैं स्वयं भी था। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो देखा गया कि ये एक 4 से 5 साल की उम्र की एक मादा लेपर्ड है, और वो आपसी संघर्ष के कारण घायल हो चुकी थी, जिस कारण वो जो है एक खंडर गौशाला में आकर अपना स्थान बना रही थी। उसको जो है आज उसकी प्राथमिक चिकित्सा की जाएगी पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा, और उसके बाद में जो है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा।